जिले में बढ़ते जा रहे कुपोषण को दूर करने के लिए प्रशासन के द्वारा जगह जगह आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आंगनबाड़ी की सुविधा दी जाती है, लेकिन जिले में ऐसे कई आंगनबाड़ी केंद्र है जो अभी भी सुविधाओं से वंचित है। ताजा मामला लवगोर का है, जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र तो है जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ है, वहाँ पर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है, बावजूद इसके कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें कि लोगोर के इस आंगनवाड़ी की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जिसके चलते जंगली जानवरों का भय बना रहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि विगत कई वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र बनी है और बाउंड्री वॉल न होने के कारण यहां जंगली जानवर आ जाते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे द्वारा कई बार मांग भी की गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहां बाउंड्री वॉल पीछे नहीं था सर, बनी नहीं जी। नहीं, अच्छा अभी जैसे ये बाउंड्री टूटी थी, काहे की बाउंड्री थी? हम बाउंड्री बना है सर, तो ये आंगनबाड़ी के विषय से सामने जोड़ दिए स्कूल में, सामने पीछे भाई सच है। अभी जैसे आप लोगों ने लिख करके दिए बाउंड्री वाल बनाने की, फॉरेस्ट वाले को दिए थे सर। अच्छा, तो बनाएगा कह के बोले हैं। और विभाग को दिए कि नहीं? विभाग को नहीं दिए सर, विभाग का तो बन गया सर, ये सामने में आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो ये इधर सामने बना दिए स्कूल के। अच्छा, पीछे वही जानवर वानवर का परेशानी है सर, बच्चे लोग इधर जाते हैं पीछे खेलने के लिए, जाने को नहीं होना, और जाएंगे तो फिर इधर जानवर का परेशानी, इसलिए बाउंड्री होना ही चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं बन पा रही? कब से मांग कर रहे थे आप लोग? मालूम सर, हम तो बता दिए फॉरेस्ट वाले, ये यहाँ से बनवा दिए हैं फॉरेस्ट वाले। अच्छा, ने बनाए। अच्छा, ये बताओ विभाग को आपने अवगत कराए थे? बोले थे पंचायत वगैरह को, पंचायत में बोले थे? बोले थे तो बाउंड्री वॉल बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, बनाने को बनेगा ऐसा तो बोले, लेकिन अभी तक बनाए नहीं है। जब इस विषय पर महिला बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना धूमकेतु से दूरभाष पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा जिले के बाउंड्री वॉल आंगनवाड़ी केंद्रों की जानकारी मांगी गई है, इसकी जानकारी शासन को भेज दी गई है। जिले में 440 आंगनवाड़ी केंद्र है जिनमें बाउंड्री वॉल का निर्माण होना अति आवश्यक है, जिनका प्रस्ताव हमारे द्वारा शासन को भेज दिया गया है, वहां से राशि आवंटन होने पर इसका निर्माण कार्य कर दिया जाएगा।